वेलकम टू आर अकेडमी क्लैट आई एम पूर्वा चौधरी इन आज की वीडियो में हम जानेंगे वॉट आर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लास ट्वेल्थ इफ यू वॉन्ट टू परस्यू लॉ अब लॉ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके लिए आपको मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एक कॉलेज में एडमिशन मिलता है राइट right? सो so हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास यू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जिससे आप एक अच्छा कॉलेज हासिल कर सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट ही सबसे ज्यादा पता होता है एंड सारे मोस्टली uh, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उसी को अटेम्प्ट करते हैं बट वी आर अनअवेयर अबाउट सम अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो हम एक अच्छा बैकअप ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं इफ यू आर एमिंग फॉर एन एडमिशन इन अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमेशा बैकअप so तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एज वी डिस्कस जो मोस्ट कॉमन एग्जाम है इसके थ्रू आप काफी सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं साथ ही साथ आईपी यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस भी अब क्लैट के थ्रू ही लॉ एडमिशन uh, ले रहे हैं ध्यान में रखिए दिस इज अ फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जहां पे आपको बी या फिर बीबीएलएलबी साल में कंप्लीट करवाई जाती है राइट right? सो so, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है यहाँ पे पहले आपको अलग से अंडर ग्रेजुएशन नहीं करनी तीन साल की और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी अमाउंटिंग टूर सिक्स ईयर ऑफ योर लॉ डिग्री यहाँ पे फाइव ईयर में आपकी अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एल की डिग्री मिल जाएगी आगे चलते हैं क्लैट से हट के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो हम दे सकते हैं अगर नेशनल लेवल एग्जाम्स इंक्लूड एलेट एलेट होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट सो एन एल यू डेली के लिए स्पेशल एग्जाम है अब इसमें खास बात क्या है क्लैट बहुत ज्यादा ही पैराग्राफ बेस्ड हो चुका है थियोरिटिकल हो चुका है वेर इन इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ रीडिंग अगर आपको रीडिंग में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो एलेट आपके लिए है एमसीक्यू बेस्ड रहेगा ज्यादा लेंथी पेपर नहीं आता है राइट right? उसके बाद आता है एलसेट इज द लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इसके थ्रू आप बहुत सारी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं जैसे कि जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी लॉयड लॉ लौ स्कूल जी डी गोयका यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर यूनिवर्सिटीज जो कि प्राइवेट इन नेचर है राइट सो so, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए एग्जाम होता है

सो so, आपको क्लैड देना है फॉर गेटिंग एन एडमिशन इन दई पी यू आई पी यूनिवर्सिटी आगे चलते हैं स्टेट लेवल एग्जाम्स बहुत सारी स्टेट्स जो स्टेट के है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं सबसे पहले वी हैव लॉ महाराष्ट्र स्टेट का लॉ एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बहुत सारे अमेजिंग कॉलेजेस लाइक जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज देन वी हैव इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ तो ये सारा ही महाराष्ट्र में काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास देन वी हैव आंध्र प्रदेश लॉ सेट सो यहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती है जो कि इस स्टेट में है देन वी हैव तेलंगाना स्टेट लॉ सेट जहाँ पे काफी सारी अमेजिंग यूनिवर्सिटीज सिचुएटेड इन द स्टेट आपके पास ऑप्शंस हैं फिर हमारे पास आता है केरला लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर द केरला स्टेट तो डेफिनेटली आप इनके फॉर्म्स फिल कर सकते हैं यू जस्ट हैव टू सर्च दिस नेम एंड आपके पास सारा ही एडमिशन प्रोसेस आ जाएगा राइट right? एंड अगर आपके पास इन स्टेट में डोमिसाइल है तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है इफ़ यू आर लिविंग इन दिस स्टेट राइट इट बिकम ईजी ऑफ यू क्योंकि राइट तो वी हैव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि लॉ का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है स्पेशली फॉर एडमिशन इन देर यूनिवर्सिटी देन हमारे पास आता है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जिसका भी एक एग्जाम होता है ए आई एल एलई टी राइट तो यू कैन डेफिनेटली सर्च Uh, फिर हमारे पास आता है सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि काफी ज्यादा फेमस है उसके बाद आता है यू लीगल स्टडीज एडमिशन टेस्ट जो कि यूपीएस कॉलेज देहरादून का टेस्ट है राइट आगे चलते हैं देन वी हैव भारतीय विद्यापीठ सेट लॉ इफ यू वॉन्ट एडमिशन इन द भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फिर BHU एच यू का भी अलग से लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है बी एच यू एल एल बी के लिए उसके बाद हमारे पास आता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम राइट सो ये भी आप दे सकते हैं देन वी हैव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और सिम्बाइसिस दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ का अलग से एग्जाम देते हैं राइट सो यू हैव मोर ऑप्शंस अवेलेबल भारतीय विद्यापीठ बी एच यू कलिंगा इंस्टीट्यूट देन यू हैव यू पी ई एस सिम्बाइसिस आमी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स की बात करें तो, तो आप देख सकते हैं क्लैट के अलावा आपके पास कितने ज़्यादा पॉसिबल ऑप्शन हैं इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू लॉ एज अ डिग्री राइट ऑप्शन so, uh, की बिल्कुल कमी नहीं है इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम तो आप डेफिनेटली स्टेट लॉ एग्जाम्स भी दे सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स भी दे सकते हैं एंड नेशनल लेवल एग्जाम्स भी दे सकते हैं वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी एग्जाम सो आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए हम हर एक एग्जाम पे एक डिटेल्ड वीडियो कर सकते हैं डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न कितने मार्क्स का होगा क्या क्या अच्छे कॉलेजेस हैं राइट क्या फीस स्ट्रक्चर है सो डेफिनेटली आई ड्रिंग अ वीडियो इफ़ यू सजेस्ट राइट

Uh, uh, कैलेंडर का यहां पर गिवन है फ्री टेस्ट मोस्टली है uh, सिर्फ दो प्लस टेस्ट है जो कि पेड कोर्स के लिए है डेट so, गिवन है और टाइम गिवन है प्लीज एनरोल कीजिए फ्री रिसोर्सेस का भरपूर फायदा उठाइए अगर हम बैच की बात करें तो यहाँ पे है द वॉरियर्स बैच फॉर क्लैट 2024 ट्वेंटी फोर एसपिर फोर प्लस टीचिंग आवर्स एक्स्ट्रा फोकस ऑन रिविजन एंड प्रैक्टिस 70 प्लस एन एल यू एडमिट फ्रॉम दिस बैच एंड वी हैव अ टॉप टीचिंग फैकल्टी विद यू गाइज अगर हम बात करें कि सी यू टी पी जी और डी यू एल एल बी का जो मर्जर हुआ है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस उसपे भी हमारे पास एक इंटेंसिव कोर्स है फॉर डी यू एल एल बी यू कैन चेक इट आउट सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी परफेक्ट so perfect everyone that is it for our today's video i hope you liked it and if you did please like share and subscribe to the channel you are at unacademy class let's crack it